ग्रीन को चेक करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ गौहर हामिद एंड टुडे आई एम हेयर टू टीच यू अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वॉन्ट टू हाईलाइट सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वेसल्स। बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। Arteries are the vessels which are responsible for carrying blood away from the heart. Number second, veins. Veins are the vessels which are responsible for carrying blood towards the heart. And capillaries are the vessels which are responsible for the exchange of nutrients and metabolic waste products. Okay. Vascular structure and function. The general architecture and cellular composition of blood vessels are similar throughout the cardiovascular system. जो जनरल आर्किटेक्चर और कंपोजिशन है ब्लड वेसल का वो सेम है थ्रू आउट द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। हाउ एवर स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन दैट रिफ्लेक्ट डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल्स करेक्टराइज स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेसल्स। मगर आर्टरीज और वेसल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन हुई हुई हैं ड्यू टू विच आर्टरीज आर डिफरेंट फ्रॉम वेन्स। फॉर एग्जाम्पल, arterial walls are thicker than corresponding veins at the same level of branching to accommodate pulsatile flow and higher blood pressures. Agar hum log arteries, ek artery ko dekh rahe hain aur ek vein ko dekh rahe hain at the same level of branching, to artery ki jo wall hogi wo thicker hogi as compared to veins ki wall mein. Okay? Arterial wall thickness gradually diminishes as the vessels become smaller, but the ratio of the wall thickness to lumen diameter increases, allowing these muscular vessels to exert control over blood flow and pressure. जैसे जैसे arteries, large arteries, then medium sized arteries, then small sized arteries, जिस तरह हम downward जाते हैं तो thickness जो होती है वो gradually diminish होती है vessels की। But the ratio of the thickness to lumen diameter, अगर हम thickness और diameter का ratio लेंगे तो वो same ही रहेगा। ratio अगर हम thickness और lumen diameter का ratio ले रहे हैं तो वो ज़्यादा आएगा, मतलब thickness ज़्यादा होगी। arteries की thickness ज़्यादा क्यों होती है? Because they are responsible for applying the blood pressure और control करती हैं blood के flow को maintain रखती हैं, pulsatile होता है इनके में जो blood flow करता है arteries के अंदर is pulsatile in nature because of the thickness of the vessel wall. Okay, many disorders of the vasculatures only affect particular types of vessels and thus have characteristic anatomic distributions. Thus atherosclerosis affects mainly elastic and muscular arteries, hypertension affects small muscular arteries and arterioles, and different varieties of vasculitis characteristically involve only vessels of a certain caliber. यहाँ पे इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि जो एथ्रोस्क्लेरोसिस इज अ वेसल वॉल डिफॉर्मिटी है। इसके अंदर क्या होता है कि इंटीमा में इंट्राल्यूमिनल प्लैक की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो प्लैक की फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादातर इफेक्ट करती है किसको? इलास्टिक एंड मस्कुलर आर्टरीज को इफेक्ट करती है। इलास्टिक एंड मस्कुलर आर्टरीज को इफेक्ट करेगी, इलास्टिक लार्ज साइज इलास्टिक आर्टरीज को और मस्कुलर आर्टरीज को। जो हाइपरटेंशन होता है जिसमें ब्लड प्रेशर इज हायर देन नॉर्मल है, उस वो किसको इफेक्ट करता है? ज़्यादातर स्मॉल मस्कुलर आर्टरीज को इफेक्ट करता है एंड आर्टीरियल्स को। और वेस्कुलाइटिस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस है, मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस है, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है, तो वो उन वेसल्स को इन्वॉल्व करेगा। ओके, इस पैराग्राफ में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। द बेसिक कंस्टिट्यूंट्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स आर एंडोथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स एडमिक्स्ड विद अ वैरायटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंक्लूडिंग इलास्टिन, कोलेजन एंड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स। अगर हम वेसल, जो वेसल है हमारी आर्टरी है, वेन है या कैपिलरी है, अगर उसकी वॉल को देखें तो उन वॉल में मटेरियल क्या है, कंस्टिट्यूंट्स क्या है उसके, तो कंस्टिट्यूंट्स नंबर वन एंडोथेलियल सेल्स है, नंबर सेकंड स्मूथ मसल सेल्स है उसके अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर इलास्टिन आता है, कोलेजन आता है और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स आते हैं। और ये जो कंस्टिट्यूंट्स है वेसल वॉल के, ये तीन लेयर्स में अकोमोडेट होते हैं, intima, media and adventitia. Okay.
intima media and adventitia. The relative amount and configuration of the blood basic constituents differ along the vasculature owing to local adaptations to mechanical or metabolic needs. In arteries and veins, these constituents are organized into three concentric layers. Jo constituents humne yahan padhe hain, smooth muscle cells, endothelial cells, smooth muscle cells, and extracellular matrix including elastin, collagen, and glycosaminoglycans. These constituents are arranged in three layers of the vessel wall: intima, number one, the innermost layer; number second, the middle layer, media; and number third is the adventitia. Okay, I will explain this right diagram to you all, which are most anatomically distinct in arteries. Number one, the intima normally consists of a single layer of endothelial cells sitting on a basement membrane underlaid by a thin layer of extracellular matrix. The intima is demarcated from the media by internal elastic lamina. So, is diagram ko agar hum dekhen, agar arteries, yahan arteries ki baat kar rahe hain, on the right side and on the left side we have veins. So, arteries ka teen layers hain arteries ki. Ek सबसे पहले ये ल्यूमेन हो गया, देन सबसे फर्स्ट लेयर इज द इंटीमा इनरमोस्ट, देन मीडियम मिडिल लेयर इज द मीडिया, एंड नंबर आउटर मोस्ट लेयर इज द एडवेंटिशिया. ओके, तो इंटीमा की जो कंपोजिशन है, इंटीमा के अंदर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है. देन इंटीमा इज सेपरेटेड फ्रॉम द मीडिया बाय इंटरनल इलास्टिक लेमिना. नंबर सेकेंड इज द मीडिया. And media is different in three types of arteries. Basically, we have three types of arteries. Types of arteries, we have large elastic arteries, example aorta. Number second, medium sized muscular arteries, example radial artery, brachial artery, femoral artery. And number third, small arterioles. Okay, types of arteries. So, जो लार्ज इलास्टिक आर्टरीज हैं, हमारे पास तीन तरह की आर्टरीज हैं. लार्ज इलास्टिक आर्टरीज, इसमें एओटा आता है, मस्कुलर आर्टरीज है, एंड देन आर्टीरियोल्स हैं. एओटा, मस्कुलर आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द मीडिया. ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया. सो जो हमारे पास लार्ज इलास्टिक आर्टरीज हैं, उसमें इंटीमा है, देन इंटरनल इलास्टिक लेमिना विच सेपरेट्स इंटीमा फ्रॉम द मीडिया, एंड देन मीडिया. यू कैन सी हियर दिस मीडिया आई एम हाईलाइटिंग. सो मीडिया ऑफ द लार्ज इलास्टिक आर्टरीज हैव अ हाई अमाउंट ऑफ इलास्टिक कॉन्टेंट, सो दे आर कॉल्ड लार्ज साइज इलास्टिक आर्टरीज. दे हैव स्मूथ मसल सेल्स एज वेल एज इलास्टिक फाइबर्स, बट इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट. And then adventitia. Then we have muscular arteries. Muscular arteries have intima, then media. Intima is separated from media by internal elastic lamina. But you can see here the medium-sized muscular arteries have smooth muscle. Large amount of smooth muscle cells are present, and in comparison with the elastic arteries, they have large amount of smooth muscle cells, but elastic content is very low. Then arterioles, they have smooth muscle cells, very few smooth muscle cells and very few elastic fibers. Okay, so here what the book is saying: the media of the vessels on the arterial side of circulation varies in structure according to functional demands. Arteries have several well-organized concentric layers of smooth muscle cells, while the smooth muscle cells of veins are arranged in a most haphazard fashion. जो अगर आर्टरीज और वेन्स को कंपैरिजन किया जाए, आर्टरीज में जो स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये एलोंगेटेड स्मूथ मसल सेल्स, दे आर अरेंज सर्कमफ्रेंशियली, यू कैन सी हियर, बट इन
veins, they are arranged in haphazard fashion. Okay. The next point is the media of the elastic arteries, jo ki main bata chuki hu, example aorta, has a high elastic content, allowing these vessels to expand during systole and recoil during diastole. Jo elastic content hai, wo allow karta hai in vessels ko systole ke time pe, jab blood left ventricle push karta hai blood into these aorta, to ye kya karti hai, expand karti hai, aur jab diastole ke time pe ye recoil karti hai, to elastic content ki wajah se karti hai. A property that serves to propel the blood towards the tissues, jiski wajah se blood tissues mein aage ki taraf push hota hai. With aging and loss of elasticity, jis tarah patient ki age badhegi, elasticity loss hoti jayegi. Jab elasticity loss hogi, to jo aorta aur large arteries hai, wo less compliant ho jayegi. Less compliant. What is mean by less compliant? Matlab wo blood ko accommodate kam karengi, rigid zyada ho jayengi, resistance badh jayegi, compliance kam ho jayegi. Aur jab compliance kam ho jati hai aur resistance badh jati hai, to systolic blood pressure increase ho jata hai. Okay. In addition, the arteries of older individuals often become progressively tortuous and dilated, ectatic bhi ho sakti hai, tortuous aur dilated ho jati hai, weak ho jati hai. Okay, then medium-sized muscular arteries. The media is composed predominantly of circumferentially oriented smooth muscle cells. Arteriolar smooth muscle cell contraction, vasoconstriction, and relaxation, vasodilation are regulated by inputs from the autonomic nervous system and local metabolic factors. These responses change the size of the lumen and thus regulate regional blood flow and blood pressure. जो मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज है उसके अंदर स्मूथ मसल का कॉन्टेंट ज्यादा है. ओके, देन आर्टीरियोल्स आर द प्रिंसिपल पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आर्टीरियोल्स आर द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ फिजियोलॉजिक रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, सिंस द रेजिस्टेंस टू फ्लूड फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द डायमीटर. मतलब रेजिस्टेंस और डायमीटर में, रेजिस्टेंस और डायमीटर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है, और फोर्थ पावर का resistance to fluid flow is inversely proportional to fourth power of diameter. मतलब अगर हम four times diameter को बढ़ा देंगे तो अगर हम halving the diameter, increase the resistance, जितना कम diameter को करेंगे उतना ज़्यादा resistance बढ़ेगी. greater the diameter, less the resistance. lesser the diameter, greater the resistance. यहाँ example दी हुई है, अगर हमने diameter को कम कर दिया, half कर दिया, तो resistance कितनी होगी, half का हम लोग four times करें तो 16 fold जो है वो resistance बढ़ जाएगी. Small decrease in the lumen size of the arterioles caused by structural changes or vasoconstriction can have profound effects on blood pressure. Okay. Then adventitia. Adventitia is the outermost layer or wall of the vessel, outermost layer of the vessel wall. Adventitia lies external to media, and then media is separated from adventitia by external elastic lamina. And in many arteries separate from media by a well-defined external elastic lamina, as I have already told you. The adventitia consists of loose connective tissue containing nerve fibers and the vasovasorum. Adventitia ke andar kya cheez hai? Ek loose connective tissues hai, nerve fibers hai, एंड वेजा वेजोरम है. वेजा वेजोरम मीन्स वेसल्स ऑफ द वेसल. मतलब हमारी वेसल्स को भी न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो जो वेसल को ब्लड सप्लाई करती है वेसल्स, वो एडवेंटिशिया में प्रेजेंट होती है. स्मॉल आर्टीरियोज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द पोर्शन ऑफ द मीडिया ऑफ द लार्ज आर्टरीज विद ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स. वेजा वेजोरम क्या है? दीज आर द स्मॉल आर्टीरियोज है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द एडवेंटिशिया एंड आउटर पोर्शन ऑफ द मीडिया ऑफ लार्ज आर्टरीज विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. ओके, as already alluded to, arteries are divided into three types based on their size and structural features. Main bata chuki hu, large or elastic arteries because they have high amount of elastic content including aorta, example aorta hai, and major branches of aorta. Major branches of aorta, aorta se kaun si branches nikalti hai? Major branches aorta se jo nikalti hai hamare paas wo hai common carotid arteries, subclavian arteries and iliac arteries and pulmonary arteries. नंबर सेकंड, मीडियम साइज और मस्कुलर आर्टरीज, जो कि मैं बता चुकी हूँ, जिनके अंदर हाई स्मूथ मसल कॉन्टेंट है इन द मीडिया, और इसके अंदर क्या है, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द एओटा, एग्जाम्पल कॉरोनरी आर्टरीज, रीनल आर्टरीज, रेडियल आर्टरीज, फीमरल आर्टरीज, सो फॉर. एंड नंबर थर्ड इज स्मॉल आर्टरीज. स्मॉल आर्टरीज कौन सी हैं? वो आर्टरीज जिनका डायमीटर लेस देन 2 मिलीमीटर हो, वो स्मॉल आर्टरीज होती हैं. एंड आर्टीरियोल्स 20 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होगा, वो आर्टरीज है विद इन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स.
Now moving forward, but first of all, I want to show you this diagram again. So these are the arteries. These are the arteries which are carrying blood away from the heart. And these are the veins which are carrying blood towards the heart. And in between, these are capillaries. Capillaries are the vessels which are responsible for the exchange of nutrients. Okay. Capillaries can the single endothelium hai. और ये बाहर ब्लू कलर के जो आपको इसके नजर आ रहे हैं ये पेरिसाइट्स हैं. पेरिसाइट्स आर लाइक स्मूथ मसल सेल्स की तरह ही हैं, लेकिन ये स्मूथ मसल सेल्स नहीं है. तो यहाँ पे कैपिलरीज क्या बताए हुए, कैपिलरीज आर अप्रोक्सीमेटली द डायमीटर ऑफ रेड सेल. रेड सेल, रेड ब्लड सेल का जितना डायमीटर होता है उतना ही कैपिलरीज का डायमीटर होता है, 7 to 8 micrometer. दे हैव एन एंडोथेलियल सेल लाइनिंग बट नो मीडिया. मीडिया नहीं है. Although variable numbers of pericytes, pericytes are cells hain, cells that resemble smooth muscle cells typically lie just deep to endothelium present hain, jo ki main dikha chuki hu. Collectively capillaries have a huge cross sectional area. Agar collectively capillaries ko dekha jaye to unka jo unka area hai, collectively jo surface area hai wo bahut zyada hai inka. And also have a relative low flow rate. और जो कैपिलरीज में से ब्लड फ्लो करता है वो बहुत स्लोली फ्लो करता है. आर्टरीज में बहुत फास्ट ब्लड फ्लो करता है और कैपिलरीज और वेन्स में बहुत स्लो ब्लड फ्लो करता है, लेकिन फ्लो करता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस लो फ्लो रेट ऑफ ब्लड. जो लो फ्लो होगा ब्लड वो हेल्प करेगा न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द कैपिलरीज में से वो इंटरस्टिशियम में जाए एंड देन सेल्स में चली जाए. और सेल्स का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सेल्स से इंटरस्टिशियम एंड देन कैपिलरीज में आ जाए एंड देन वेन्स के थ्रू हार्ट में चले जाए, राइट साइड ऑफ द हार्ट में चले जाए. तो लिखा हुआ है यहाँ पे कलेक्टिवली द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन वॉल्स, जो थिन वॉल्स हैं कैपिलरीज की, एंड स्लो फ्लो मेक कैपिलरीज आइडियली सूटेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. बिकॉज फंक्शनली यूजफुल ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन टिश्यूज इज लिमिटेड टू अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 micrometer. द कैपिलरी नेटवर्क ऑफ मोस्ट टिश्यूज इज वेरी रिच. एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिश्यूज विथ हाई मेटाबॉलिक रेट्स जिनमें मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है सच एज मायोकार्डियम, हार्ट एंड ब्रेन हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ कैपिलरीज. उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपिलरीज प्रेजेंट है. ब्लड फ्रॉम कैपिलरी बेड्स फ्लो इनटू पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज एंड देन सिक्वेंशियली थ्रू द कलेक्टिंग वेन्यूज एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज एंड लार्ज वेन्स. In most inflammatory reactions, vascular leakage and leukocyte exudation occur preferentially from post-capillary venules. यहाँ ये diagram देख लें. ये aorta, then muscular arteries, then arterioles, then capillaries हो गई. Then capillaries के पास post-capillary venules ये हैं. Then collecting venules, small venules, then medium-sized veins, then large veins. Large veins like superior vena cava draining blood to the right atrium. Okay. And then lymphatics. What are lymphatics? Lymphatics are thin walled channels lined by specialized endothelium. ये भी एक specialized endothelium से lined हुए होते हैं. They provide conduits to return interstitial tissue fluid and inflammatory cells to the bloodstream. Bloodstream को return करते हैं interstitial fluid को, inflammatory cells को. Lymphatics can also transport microbes and tumor cells, thus constituting an important potential pathway for disease dissemination. और disease जो एक site से जो लिम्फ में डिजीज जाती है, हम लिम्फ नोड के थ्रू भी हम डिजीज को लोकेट कर सकते हैं. तो इज एन इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल पाथवे फॉर डिजीज डिसमिनेशन. डिजीज की प्रोग्रेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पाथवे है लिम्फेटिक. ओके, की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. ऑल वेसल्स एक्सेप्ट कैपिलरीज शेयर अ थ्री लेयर्ड आर्किटेक्चर, जो कि मैं बता चुकी हूँ. इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं हमारे पास, उनके पास उनकी वेसल वॉल की तीन लेयर्स हैं, इंटीमा, मीडियम, एडवेंटिशियम, बट नॉट कैपिलरीज. कैपिलरीज के पास एंडोथेलियम है, सिंगल लेयर एंडोथेलियम है, और विच इज सराउंडेड बाय पेरिसाइट्स है. ओके, एंडोथेलियम लाइंड इंटीमा, अ सराउंडिंग स्मूथ मसल सेल मीडिया एंड सपोर्टिव एडवेंटिशिया एडमिक्स्ड विद एक्सोसेलुलर मैट्रिक्स. द स्मूथ मसल सेल एंड मैट्रिक्स कंटेंट ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज वेरी अकॉर्डिंग टू हीमोडायनामिक डिमांड्स की डिपेंड करता है. हीमोडायनामिक डिमांड्स पे डिपेंड करता है कि स्मूथ मसल कंटेंट कितना होगा और मैट्रिक्स कितना होगा. द स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ वेसल वॉल एट एनी गिवन साइट विद इन वेस्कुलर ट्री इन्फ्लुएंसेस द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पैथोलॉजिकल इंजरीज. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज comment on this video if you have any question.
And you can ask me any question in the comment section. And the second point is don't forget to subscribe my channel because I will be posting very, very informative videos on this channel for you people. Thank you so much. Stay tuned for the next video.